हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। सो बच्चों, डू यू नो व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सिंगुलर बच्चों हम उसे कहते हैं जो एक चीज़ होती है, एक पर्सन होता है, एक एनिमल होता है या एक जगह का नाम होता है। सिंगुलर, जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो वो है सिंगुलर नाउन। और जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, चाहे वो दो हो, तीन हो या चार हो, हम चार लोगों की बात कर रहे हैं या चार चीज़ों की बात कर रहे हैं या चार एनिमल्स की बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा, तो वो होते हैं हमारे प्लूरल नाउन। ओके, अ वर्ड इज सेड टू बी सिंगुलर। एक वर्ड को तब सिंगुलर कहा जाता है व्हेन इट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। जब वो एक पर्सन, एक चीज़, एक एनिमल या एक बर्ड के लिए यूज़ किया जाए। वेयर एज, वहीं पर अ वर्ड इज सेड टू बी प्लूरल, उसे प्लूरल कहा जाएगा व्हेन इट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। So we go ahead now. Yes. So rule number 1, यहाँ पर कुछ rules हैं। There are certain rules for forming plural nouns from singular noun. अब कुछ rules के साथ ही हम singular noun को plural noun में change करते हैं। तो कुछ rules यहाँ पर हैं जो मैं आपको explain करने वाली हूँ बच्चों, और आपको उसे learn रखना है। Okay? सो रूल नंबर 1, एडिंग एस। हम एस ऐड करते हैं टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, जैसे कि डॉग का बन गया डॉग्स। ओके, रूल नंबर 2 इज हम ई एस ऐड करते हैं व्हेन नाउन एंड्स इन, जब नाउन एंड होता है सी एच एक्स एस या फिर डबल एस से, जैसे क्लास, क्लास में डबल एस है एंड में, सो हम इसमें ऐड कर देंगे ई एस, क्लासेस। ओके, सो दिस इज क्लियर। रूल नंबर 3 है nouns that ends in a vowel, जब noun vowel plus y के साथ end होता है, जैसे कि यह है joy, joy में o आ रहा है और वो end किससे हो रहा है? y से। so ये simple हम इसमें add करते हैं s। so आपको याद रखना है वो noun जो vowel से end होता है, vowel plus y से end होता है, उसमें भी हम सिर्फ एस ऐड करते हैं, जैसे कि जे ओ वाई जॉय, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? जे ओ वाई एस, जॉयज। नाउन दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अब वॉवल प्लस वाई से जो एंड होता है उसमें हमने ऐड कर दिया सिर्फ एस। अब जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड होता है उसमें हम ऐड करते हैं आई ई एस, और हम वाई को वहाँ से रिमूव कर देते हैं आफ्टर रिमूविंग वाई, जैसे फेरी, एफ ए आई आर इज द कॉन्सोनेंट लेटर एंड वाई, वाई से एंड हो रहा है, अब हम इसमें वाई को रिमूव करके आई ई एस जॉइन कर देंगे। ओके, ऐड कर देंगे आई ई एस, एफ ए आई आर आई ई एस। ओके, सो आपको ये 4 के 4 रूल्स याद रखने हैं। अभी आगे मैं आपको और भी बता रही हूँ, उससे पहले ये इंटरप्रिटेशन बॉक्स देखेंगे। वी राइट ए और एन बिफोर सिंगुलर। ओके, सो हम ए और एन किसके आगे लिखते हैं? सिंगुलर नाउन के आगे। वी डू नॉट राइट ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के आगे हम ए और एन नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 5, वो नाउन जो ओ से एंड होते हैं, जैसे हीरो, जीरो, उनमें हम ई एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हीरो, हीरोज। और वो नाउन जो ओ से एंड होते हैं मे टेक बोथ एस और ई एस, जैसे बैम्बू, बैम्बूज, राइट। सो रूल नंबर 7 इज नाउन दैट एंड्स इन एफ और एफ ई, एफ और एफ ई से एंड होने वाले नाउन यूजुअली चेंज द एफ साउंड टू वी, हम एफ की साउंड को वी में बदल देते हैं और एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि लोफ, सो एफ रिमूव करके लोव की साउंड वी में चली जाएगी, लोव्स, वी ई एस। सो आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं बच्चों। देयर आर सेवरल नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो एनी रूल, बहुत सारे ऐसे भी नाउन हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते एंड हैव इररेगुलर प्लूरल फॉर्म, जैसे कि टीथ, टूथ।
सो टूथ मतलब एक दांत हो गया और टीथ मतलब बहुत सारे दांत. सो इनकी कोई स्पेलिंग का रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, ये है इरेगुलर प्लूरल फॉर्म. सो आपको ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको लर्न रखने होते हैं बिकॉज इन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. तो चलिए आगे चलते हैं. सो वी हैव एक्सरसाइज हेयर, राइट द प्लूरल ऑफ द नाउन्स बिलो. अब ये नाउन है, इनके यहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है. पैन, सो पैन का क्या हो जाएगा, सिंपल पैंस. बूट, बूट्स. यू कैन राइट इट विद मी चिल्ड्रेन. बूथ, बूट्स. किस, किसेस. हैट, हैट्स. मदर, मदर्स. सो वी गो अहेड, चलिए आगे चलें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. सो यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमें वर्ड दिए हुए हैं उनकी हमें करेक्ट प्लूरल फॉर्म लिखनी है. द डॉग हिड बिहाइंड द बुश. सो डॉग कहाँ छुपा, बुश के पीछे. अब हमने बुश के प्लूरल फॉर्म लिखनी है तो क्या होगी, बी यू एस एच ई एस, बुशेस. द डॉग हिड बिहाइंड द बुशेस. देयर आर फाइव, लायन तो नहीं हो सकता, फाइव है तो क्या होगा यहाँ पर, lions. Okay, there are five lions in the forest. Suman saw two men. अब जो man है बच्चों, man का हम हमेशा plural बनाते हैं men. और इसी तरह हम जब woman लिखते हैं तो हम इसका plural करते हैं woman. So man, और इसकी pronunciation भी change हो जाती है, man plural form होगी men. So Suman saw two men in the park. She drinks two glass. Two आ गया तो glass नहीं होगा, क्या हो जाएगा, glasses. Two glasses of milk daily. The dash of Goa is littered with paper. So the beaches. अब beaches आ गया तो यहाँ पर is नहीं रहेगा, are हो जाएगा, right? सो आपको सेंटेंस पे भी ध्यान देना है बच्चों, अगर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से उसकी आपको वर्ब चेंज करनी पड़े सो आप वहाँ पर करेंगे. द बीचेस ऑफ गोवा आर लिटर्ड विद पेपर. द लेडी वियर ब्लू साड़ी. सो द लेडीज, एल ए डी आई ई एस. अब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वाई से एंड हो रहा है सो वाई रिमूव करके हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, I E S. Hina likes the pink color of dresses. Okay? There are four knife. Knife का क्या हो जाएगा, knives. So F की sound change हो गई V में. There are four knives in the kitchen. सो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े वर्ब चेंज करने की जैसे मैंने यहाँ करी तो आप उसे भी करेंगे. ओके, सो चलिए आगे चलते हैं. यस, सो अब हमें यहाँ पर ये नाउन्स दिए हुए हैं और हमें इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है. सो चर्च, चर्चेस. क्लास, classes. Mango, mangoes. Zero, zeros. Torch, torches. Uniform, uniforms. Owner, owners. Month, months. ओके, सो आप प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाएं. ये यहाँ पर सारी सिंगुलर नाउन है और मैं इसके आपको लिखवा रही हूँ प्लूरल नाउन्स. मॉस्किटो, मॉस्किटोज. विश, विशेस. बॉस,
बॉसेस बफेलो बफेलोज बेंच बेंचेस प्लेस प्लेसेस. सो आई होप कि अब आपको सिंगुलर से प्लूरल लिखना समझ में आ रहा होगा. और बच्चों आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न ऑल दी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. सो वी गो अहेड नाउ. Rewrite the following sentences after changing the underlined nouns to their plural form. So underline जो ये singular आपको यहाँ पर noun दिए हुए हैं, हमें इन्हें plural में change करना है. Make other necessary changes. वो क्या है necessary changes? अगर हमें कहीं verb बदलनी है तो हम change करेंगे उसे sentence के according. Okay? So I made, यहाँ पर आप लिख दोगे wishes, right? I made, so फिर A हटेगा, on falling stars. A हट जाएगा. ये है बच्चों other necessary changes. So sentence क्या बन जाएगा आपका? I made wishes on falling stars. Okay? Now the child went to the school to study. So, children, child का क्या हो जाएगा यहाँ पर? Children. The children went to the school to study. This is a beautiful flower. अब flowers को हम कर देंगे flowers. So, यहाँ से A हटा देंगे. Is को हम R कर देंगे. और this हो जाएगा these. These are beautiful flowers. So, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पॉइंट नंबर 3, जिसमें ज़्यादा चेंजेस हैं बच्चों मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ. दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स. दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स. जेरी एट अ सैंडविच फॉर लंच. सो जेरी एट अ हट जाएगा, सैंडविचेस फॉर lunch. There is a chair in front of the tables. So there is a hatega, there are chairs in front of the table. My chief is really strict. Mera chief bahut strict hai. So my chiefs ka kya ho jayega? My chiefs. Okay? My chiefs इस हटेगा यहां से, आर रियली स्ट्रिक्ट. माय चीफ्स आर रियली स्ट्रिक्ट. बिकॉज चीफ है एक है तो इज आ गया, चीफ्स आ गया तो यहां पर आर आ जाएगा. सो देयर इज अ माउस इन माय हाउस. देयर आर mouse mice in my house. So mouse का क्या होता है plural form? Mice. Okay. I saw a हटा देंगे, cats walking on the sidewalk. The dentist cleaned my teeth yesterday. The thief was caught by the police. So the thieves was हटेगा, बहुत सारे हैं तो हो जाएगा वर. द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस. ओके, सो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, और अब आप इसको अपनी नोटबुक में साफ तरीके से रीराइट करेंगे बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं. सो वी गो अहेड. Write the plural of the nouns below. चलिए एक बार फिर से हमें इनके plurals लिखने हैं. Pony. तो y हट जाएगा, ponies. Okay. City. City में भी same, cities. Right. Joy. कौन सा vowel और y से add है? तो joys. Wife. F की sound change कर देंगे, wives. Country.
IES, countries. Lady, ladies. Valley, simple S add करेंगे. Calf, calves. Half, halves. Diary, diaries. Loaf, loaves. Fairy, fairies. Right? So please इसको आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसे आपको बच्चों लर्न भी करना है. राइट? ऐसे ही नहीं सिर्फ लिख के छोड़ देना. यू विल लर्न इट. ओके, सो वी गो अहेड नाउ. यस, यहां पर भी हमें इन नाउंस के प्लूरल नंबर बताने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैन, आई टोल्ड यू मैन का क्या हो जाएगा. मैन का, यस, मैन. इसी तरह से यहां पर हमें वुमेन दिया हुआ है, सो वुमेन. राइट? नंबर थ्री इज ओके. अब हम ओके का प्लूरल जब बनाते हैं तो हम लिखते हैं कॉमा एस, ओकेस. ओके, सो गूस, गीस. ओके, आपको समझ आ रहा है बच्चों? चाइल्ड, चिल्ड्रन. सो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज ये सब हैं इरेगुलर फॉर्म. ओके, इसमें से ज़्यादातर इरेगुलर हैं, इनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा. बहुत कुछ होंगे यहाँ पर जिनमें कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन्हें लर्न करेंगे. टूथ, टूथ, टीथ. फुट, फीट. माउस, माइस. पर्सन, persons. Daisy, daisies. Elf, elves. Cactus, cacti. Crisis, crisis. Oasis, oasis. Fungus, fungi. Syllabus, सिलेबाई. ओके, सो इस तरह से हम इनके प्लूरल नंबर लिख देते हैं. अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, सो आपको वो लर्न करने होंगे. सो दिस विल बी योर होमवर्क दैट यू हैव टू लर्न ऑल दीज. राइट? सो वी गो अहेड नाउ. And this is the provocation exercise. और इसमें हमें fill in the blanks with A, sum और N करना है. So sum हम किस चीज़ के लिए use करते हैं? जिसे हम count नहीं कर सकते, थोड़ा. Okay? और A, N. A हम use करते हैं बच्चों जो word start हो रहे होते हैं consonant sound के साथ, और N हम use करते हैं जो word start हो रहे होते हैं vowel sound के साथ. So let's start. I always get up early. मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ. And have breakfast at 7:30. और 7:30 पे अपना breakfast करता हूँ. I usually have some cold milk. Some cold milk. अब milk को आप count नहीं कर सकते हो ना. And egg. Egg में vowel की sound है E. Egg. So and an egg with brown consonant sound. With a brown bread and a bowl of yogurt. At school, I have lunch with my friend at 12:30. मैं अपने friend के साथ 12:30 पे lunch करता हूँ. I usually have juice. अब जैसे milk के लिए हम sum use कर रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर juice के लिए भी sum use करेंगे. Some juice, an enormous sandwich. Enormous मतलब बड़ा. Enormous sandwich, crisps. Okay, crisps. यहाँ पर plural आ गया, तो हम some crisps and a healthy snack like कौन सा snack? An apple because vowel sound है, a pear consonant sound है, और some grapes because plural है तो हम a और n तो use नहीं कर सकते हैं. I have never nuts.
I never have some nuts because I cannot eat them. Okay, so इस तरह से हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. सो आई होप बच्चों कि अब आपको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज करना पता चल गया होगा. कुछ फॉर्म्स जो हैं सिंगुलर वो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और कुछ पर जिन पर रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं आप उनको लर्न करेंगे, और आपको रूल्स भी अच्छे से लर्न होने चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.